अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इनायास वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे तुअर की दाल और टमाटे टमाटे की दाल। ये देखिए, ये 6-7 टमाटे है ये, और ये है 1/4 किलो तुअर की दाल। मैं इसको अच्छे से वॉश करके और 1.5 ग्लास पानी डाल के रख ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए, ये 10 हरी मिर्च है। मैं इसको बीच से इस तरह से चीर के और छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख ली। ये ज्यादा तेज नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डाल रही हूँ। अब ये सारी हरी मिर्च को हम इसमें डाल लेंगे। अब ये सारे टमाटर को हम कट कर लेंगे इस तरह से, बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके हम डाल लेंगे। देखिए, हमारे सारे टमाटर कट के रेडी है। अब हम इस सारे टमाटर को इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ी सी इमली, सिर्फ थोड़ी, 1 टेबल स्पून करीब है इमली। अब हम इसको ढक्कन लगा के 4 विजिल आने तक पका लेंगे। देखिए, मैं चूल्हा ऑन करके ढक्कन लगा के स्टोव पे रख ली कुकर। अब 4 विजिल आने तक हम पका लेंगे। देखिए, हमारे 4 विजिल हो चुके हैं। अब हम स्टोव को ऑफ कर लेंगे। चलिए, अब हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए, माशाल्लाह से ये हमारी पूरी दाल अच्छे से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए, हम इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। ये बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा हम इसको मैश कर लेंगे। बिल्कुल बारीक कर दिए तो टेस्ट नहीं आता। देखिए, हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक। आप चाहे तो साल्ट यूज कर ले सकते हैं। मैं मोटा नमक का इस्तेमाल करके मैश कर रही हूँ। देखिए, मैं इस तरह से मैश कर ली इसको। चले, अब हम इसको बगा लेंगे। बगाने के लिए हमें चाहिए 2 सूखी मिर्च। मैं इसको इस तरह से तोड़ के रख ली, और 2 काड़ी करियापक है। मैं इसको वॉश करके पत्तों को अलग करके रख ली। और ये है 1/2 टेबल स्पून कलौंजी, और ये है 1 टेबल स्पून जीरा, और ये है थोड़े लहसुन के पोतियाँ। इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। हम एक एक पोती को इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा कूट के रख लेंगे। लहसुन को डालने से दाल में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, इसको जरूर आप डालिए। चले, अब हम दाल को बगार लेंगे। इसके लिए मैं बाउल रख ली, इसमें ऑयल डाल ली, और ये हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जीरा और कलौंजी। आप चाहे तो राया भी ऐड कर सकते, मुझे राया नहीं पसंद है, मैं पाउडर इस्तेमाल करती ज्यादा। राय के दाने खाने में आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं राया नहीं डाल रही। आप चाहे तो राया भी ऐड कर सकते हैं। ये 2 सूखी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, हल्का सा। देखिए, हमारे ये 2 सूखी मिर्ची और जीरा का लौंजी भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये करियापत्ता। देखिए, हमारा इस बगार रेडी है। अब बगार को हम इस दाल में ऐड करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए मैं लहसुन डालना भूल गई थी, अब थोड़ा सा ऑयल ऐड कर ली, इसमें हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट इसकी कच्ची खुशबू जाने तक थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी लहसुन फ्राई हो चुकी है, अब हम इसको दाल में ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हमारे दाल में से। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल इनायस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, अस्सलामुअलैकुम।